A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. I hope you all are doing great. Children, in SST, we are doing chapter 16, Transport and Communication. And we have done its difficult words and word meanings also, right? And I hope that you all have learned the word meanings very well. So children, today we are going to proceed the chapter. Today we will be starting the chapter with its meaning. Okay, so let's start chapter 16, Transport and Communication. Children, I'll explain you each and every line from the chapter, so please listen carefully. Okay, let's start. Transport refers to a way of carrying people and goods from one place to another by land, air or water. Transport किसे कहा जाता है? Transport कहा जाता है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर सामान को ले जाने को, पहुंचाने को, ठीक है, चाहे वो बाय लैंड हो, बाय एयर हो या फिर बाय वाटर हो. मैनी इयर्स अगो पीपल यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. बहुत सालों पहले लोग एनिमल्स का यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए. उन्हें कहीं जाना था या उन्हें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो एनिमल्स का यूज करते थे. लेटर आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड People started using carts to move around. और उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो carts का यूज करने लगे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए as a transport, as a means of transport. Okay? The different means of transport kept changing with time. और means of transport जो है वो different means of transport time के साथ change होते रहे. जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, डेवलपमेंट आता रहा, तो फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गए. जैसे देखो, पहले मेट्रो नहीं थी, तो टाइम टाइम के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहा हमारी कंट्री में, वैसे वैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हो गए. टुडे वी हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. आज बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं ट्रैवलिंग के, जैसे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग मच ईजियर. जितना अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितना बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाएगा, ट्रैवलिंग भी उतनी ही ईजी हो जाती है. द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कॉस्ट एंड द साइज ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड. ट्रांसपोर्ट का जो टाइप है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, कॉस्ट पर, और जो सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ले जाना है या पहुंचाना है, उसके साइज पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का या किस टाइप का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है. अपना बजट अनुसार भी हमें देखना होता है, अपने टाइम के अनुसार भी कि हमें कितने टाइम में वहाँ पहुँचना है, और डिस्टेंस भी देखना होता है कि कितना लॉन्ग है डिस्टेंस, क्या यूज़ करना बेटर है, ठीक है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. ओके, ये डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे, कॉस्ट पर, साइज पर, डिस्टेंस पर, और जो सामान है उसके साइज पर. ओके, वी यूज़ रोड और रेल ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज एंड एयर और सी फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज. रेल और रोड का यूज़ जो करते हैं हम, वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए करते हैं, और एयर का और वाटर का, जैसे सी और एयर का जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा दूर जाना है, ठीक है, तब वाटरवेज और एयरवेज का यूज़ किया जाता है. टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट द रोडवेज. ओके, रोड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रोड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. इन इंडिया न्यू एंड बेटर रोड्स आर बिल्ट एवरी ईयर. हर साल इंडिया में नए और बेटर रोड्स बनाए जाते हैं. रोड्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. रोड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स यूज इन मेकिंग दैम.
डिपेंड करता है कि उन रोड्स को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, और उस मटेरियल को यूज़ करने के बेस पर रोड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रोड्स मेड यूजिंग लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड तार आर कॉल्ड मेटल्ड और पक्का रोड्स। जो लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं रोड्स, जैसे सीमेंट और तार से बनाए जाते हैं, उन्हें मेटल्ड रोड्स या फिर पक्का रोड्स कहा जाता है। दीज रोड्स कैन बी यूज्ड ऑल ईयर राउंड, ये पूरे साल यूज़ किए जा सकते हैं, इवन इन द रेनी सीजन, बल्कि रेनी सीजन में भी इन रोड्स का यूज़ किया जा सकता है, पक्का रोड्स जो होते हैं। ओके, कच्चा और नॉन मेटल्ड रोड्स आर यूजुअली स्मॉलर पाथ्स मेड ऑफ मड, छोटे रास्ते होते हैं जो कि मड से बनाए जाते हैं, उन्हें कच्चा रोड्स कहा जाता है, नॉन मेटल्ड रोड्स। ओके, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल ऑन एंड कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इन पर ट्रेवल करना डिफिकल्ट भी होता है और इनको रेनी सीजन के टाइम पर यूज भी नहीं किया जाता। कच्चा रोड रनिंग थ्रू अ विलेज आप देख सकते हैं, इट इज अ पिक्चर ऑफ अ कच्चा रोड रनिंग थ्रू अ विलेज। इन अवर कंट्री वी हैव लॉन्ग रोड्स कॉल्ड हाईवेज विच कनेक्ट टाउन्स एंड सिटीज, हमारी कंट्री में लॉन्ग रोड्स भी हैं जिन्हें हाईवेज कहा जाता है। लॉन्ग रोड्स को क्या कहा जाता है, हाईवेज, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टाउन्स और सिटीज़ को, बहुत लॉन्ग होते हैं वो रोड्स और सिटीज़ और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं, एक पूरा लंबा रोड होता है और एक साथ कनेक्ट चलता है टाउन्स एंड सिटीज़ को, उसको हाईवेज कहा जाता है। नेशनल हाईवेज कनेक्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल ओवर द कंट्री, जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स को, हमारी पूरी कंट्री के सिटीज़ और टाउन्स को, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज लिंक इम्पोर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन अ स्टेट, और जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो स्टेट के अंदर के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं। ऑल दीज रोड्स हैव नंबर्स, दे आर यूज्ड बाय पीपल फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, इन सभी जो रोड्स हैं इनके नंबर्स होते हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और ये जो हाईवेज होते हैं इनका यूज़ किया जाता है फॉर ट्रैवलिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और ट्रैवलिंग के लिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाईवेज इज द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाई शेर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी CE। जो ओल्ड हाईवेज है उनमें से एक जो बहुत ओल्ड है, द ओल्डेस्ट हाईवेज इज द ग्रैंड ट्रंक रोड, ये एक हाईवे है जो कि इसके द्वारा बनाया गया 16th सेंचुरी में, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया, द ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, इट कनेक्ट्स पेशावर इन पाकिस्तान टू सोनार गांव इन बांग्लादेश, ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान में पेशावर से लेकर बांग्लादेश में सोनार गांव तक, ठीक है, इन्हें कनेक्ट करता है ये। दिस रोड रन्स थ्रू नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया कनेक्टिंग मैनी प्लेसेस लाइक दिल्ली, औरंगाबाद एंड हावड़ा, ये रोड किन किन के थ्रू रन करता है, नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया के थ्रू, ठीक है, इनके बीच से होकर रन करता है और किन किन जगहों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, औरंगाबाद और हावड़ा जैसी जगहों को कनेक्ट करता है ये, द ग्रैंड ट्रंक रोड। इन माउंटेनियस रीजन्स टनल्स आर डग थ्रू हिल्स टू मेक रोड्स, जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, माउंटेनियस जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर टनल्स बनाई जाती हैं, खोदी जाती हैं हिल्स के बीच में से रोड्स बनाने के लिए। ओके, पहाड़ों के बीच में से सुरंगें बनाई जाती हैं, टनल्स बनाई जाती हैं
रोड्स बनाने के लिए, जिनके जिनमें से ट्रेन वगैरह, ट्रेन्स बसेस निकलती हैं. ओके, ड्यूरिंग विंटर स्नो हैज टू बी क्लियर्ड रेगुलरली टू मेक द रोड्स यूजेबल. विंटर सीजन में स्नो हटाई जाती है, क्लियर की जाती है इन रोड्स पर से, ताकि इन रोड्स का यूज़ किया जा सके. टू कनेक्ट टू रिवर्स रिवर बैंक्स ब्रिजेस हैव टू बी बिल्ट फर्स्ट. टू रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए, टू रिवर्स के जो बैंक्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए उन पर ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और फिर उन ब्रिजेस पर रोड्स बनाए जाते हैं. ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ टनल बिल्ट थ्रू अ माउंटेन टू मेक अ रोड. आप एक टनल की पिक्चर देख सकते हैं जो कि एक माउंटेन से बनाई गई है, माउंटेन के बीच से एक रोड बनाने के लिए. एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ रोड बिल्ट ओवर अ ब्रिज टू कनेक्ट टू साइड्स ऑफ द रिवर. ओके, roads are very important for us because many items that we need such as food, grains, fruits, vegetables, etc. are transported by road to different parts of our country. हमारे लिए roads बहुत ज़रूरी है, बहुत important है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे food, grains हैं, vegetables हैं, fruits हैं, और भी चीज़ें हैं, ये सब transport की जाती हैं different parts में country के, किसके through? roads के through. ठीक है, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रोडवेज. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज ऑल्सो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई एम गिविंग यू अ होमवर्क ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वीडियो, वेरी स्मॉल होमवर्क, ओनली 3 क्वेश्चन आर हियर. क्वेश्चन नंबर 1, वॉट इज ट्रांसपोर्ट. Question 2, what is the difference between kacha roads and pakka roads? Question 3, what are highways? Give an example. Okay, this is all about today. Please do your work carefully and neatly. First, you have to watch the video carefully. Then you have to read the read about roadways from your book, from your assistive book, and then you have to find out the answers of these three questions, and you have to write the answers of these three questions in your SST notebook neatly and carefully. Okay, thank you children, stay home, stay safe and keep smiling.